मुंबई का राजा कहलाएगा कौन? पक्का मास्टर है नया डॉन। कट एक्शन। मुंबई का राजा कहलाएगा कौन? पक्का मास्टर है नया डॉन। ओके। ये ओके था? जी नहीं। पर आपने ओके कहा? या? ओके। ये लड़का जिंदगी भर एक्टर नहीं बन सकता। ये वो वाला ओके था। तो हो गए ना कुल मिला के 7.5 किलो? नहीं मैम साहब, इसमें तो लकड़ा है, ये नहीं चलेगी। तो क्या हुआ? मैं सिर्फ स्टील और लोहा लेती है। हेलो मोनिशा, अपनी सहेली के साथ बिजी हो एज यूज़? अरे ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं साहिल और मेरी पुरानी ट्रॉफीज बेच रही हूँ। ओह माय, किसी काम की नहीं है। और ये बड़ी वाली तो लीक होती है। तुमने इसमें पानी भरा था? चाय। उस दिन वो थर्मस टूट गया था ना, तो मैंने सोचा कि इसमें चाय डाल के ट्राई कर लेती हूँ। तू दांत क्यों निकाल रही है? चल ट्रॉफी ले और मुझे ये टिफिन दे दे। वाओ, ट्रॉफीज की जगह टिफिन सजेगा घर में। नहीं सजेगा, 2-3 ट्रॉफी और दे तो ही सजेगा। बस हो गया सुनीता, चल उठ निकल। मैं तुझे ट्रॉफी दूंगी नहीं, मैं निर्मला को बुला के उसको ट्रॉफी दे दूंगी, समझी तू? जल्दी कर, ऐसा ही करती है। कहिए मम्मी जी, आप क्या कह रही थी? हाँ, I remember, मेरा पेन बाम कहाँ है मॉनिश? Hi baby, look at this. क्या? Certificate of achievement. ये सर्टिफिकेट किस बात का है? मॉम, मेरी। अच्छा सुनो, हेलो। हाँ रोसेश, मैं ला रही हूँ, अभी पेन बाम लेके आ रही हूँ बेबी, जस्ट 2 मिनट। आई आई अभी तुम मेरे घर में चलो ना, वहां बैठ के बातें करेंगे। एंड मोनिशा, वेयर इज माय पेन बाम? वो बॉटल तो टूट गई मम्मी जी। टूट गए? इतनी मजबूत शीशी थी, तुमने कैसे गिराया? कि गिराई नहीं मम्मी जी, वो टेबल पे ऐसे ऐसे पटकी। छोटा कॉकरोच था ना, उसे मारने के लिए। हाउ डू यू से सॉरी? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आपको? तुमसे I'm very, very, very sorry for you, Sahil. Mom, ये. Mama, मेरा सर. Ring बंद कीजिए ना, please. तुम ये टैबलेट लो. कोई उठाओ ना फोन. That phone ring is so irritating. जरूर डैड का फोन होगा स्कॉटलैंड से. हेलो. हाँ बोलो इंद्रवदन. See, I told you. उन्होंने जान लिया होगा कि मेरे सिर में दर्द है, तभी जान बूझ कर इरिटेटिंग रिंग वाला फोन किया है. अरे तुम लो ना अपनी टैबलेट। मॉम, रोसेश, डिनर्स ऑन मी टुनाइट। मैं बाहर नहीं जा सकता भाई। आई नो दैट ब्रदर, इसीलिए मैंने खाना घर पे ही ऑर्डर किया है। आपका गुड न्यूज़ क्या है? बस टेंशन की वजह से इसने अपनी फोटोग्राफ्स डायरेक्टर राजगोपाल शर्मा की ऑफिस में दी है, उसकी आने वाली फिल्म नया डॉन के लिए। तो फिर इसके फोटोग्राफ्स देखकर टेंशन उन्हें होना चाहिए, इसे क्यों? थैंक्स डैड के रिप्लेसमेंट। चिल ब्रदर। चिल क्या भाई, चिल तो तब होगा ना जब उनके ऑफिस से फोन आएगा। पता है 100 से ज्यादा लड़के थे और मेरी फोटो फाइनल 10 में सेलेक्ट हुई है। So keep your fingers crossed. All right, ये रही इसकी खबर, अब मेरी खबर सुनिए। हाँ। साहिल, साहिल, मैंने सर्विस चार्ज के 300 रुपए बचा लिए। Congratulations. तो शैंपेन खोले या जलजीरा से काम चलेगा? छोड़िए ना प्लीज, मेरी बात सुनिए ना। दरअसल मम्मी जी, साहिल ने मुझसे कहा था कि लर रोटिसरी से फोन करके खाना मंगवा लो, लेकिन वहाँ पर सर्विस चार्ज की 300 रुपए लेते हैं, इसलिए मैंने धोबी तला ढाबा सेंटर से फोन करके काली दाल और बिरयानी मंगवा ली है। वहाँ पर होम डिलीवरी फ्री और एक फोटो फ्रेम मुफ्त। भाभी, खाने का फोटो फ्रेम के साथ क्या ताल्लुक? क्यों, धोबी तला ढाबे का खाना खा के अगर मैं मर गई तो मेरा फोटो फ्रेम में तो लगाना पड़ेगा ना? इनफैक्ट मोनिशा, तुमको झगड़ा करके और फ्रेम्स लेनी चाहिए थी, हम 4 लोग हैं ना। फॉरगेट इट नाउ प्लीज मोनिशा, तुम जाओ और राधा भाई से कहो कि खाना लगाए। प्लीज कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मॉम, आप प्लीज मेरी गुड न्यूज सुनिए। यस यस यस, आई एम ऑल इयर्स। हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से आ गया राजगोपाल शर्मा के ऑफिस से फोन आ गया मामा। गॉड होप फॉर द बेस्ट, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। हेलो रोसेश, साराबाई's रेसिडेंस? रेसिडेंस? ये तो सेल पे बात कर रहा है। डोंट पिक ऑन हिम। ओके ओके फाइन, या आई विल बी देयर।
हो गया थी। क्या हो गया? मामा, राजगोपाल शर्मा ने 3 फोटोज फाइनलाइज किए, जिसमें से टॉप रेटेड फोटो मेरी है, वुपी। माय बेबी गैंगस्टर, माय नया डॉन। साहिल। अरे आइए फूफा जी, आइए। हैं? साहिल, मुझे अंदर आने का कहने के लिए इतने सारे इशारे क्यों कर रहे हैं? सीधा सीधा वेलकम कह देना चाहिए ना। ओके वेलकम। आई गिव अप। अच्छा माया बता रही थी, तेरी कोई खुशखबरी है? फाइनली देयर समबडी। ये पढ़िए। नहीं नहीं नहीं, तू समझा नहीं, तेरी खुशखबरी क्या है ये पूछ रहा हूँ। इसमें लिखिए खुशखबरी, पढ़िए ना प्लीज। प्लीज, प्लीज, प्लीज। जिद्दी जिद्दी, ये पढ़ लूंगा, बाद में बताना खुशखबरी क्या है। ठीक है बैठिए। साहिल, साहिल, मैंने अपनी गुरिंदर मौसी को फोन करके खुशखबरी सुना दी है। वो खुश हो गई? ऑफ कोर्स, खुश क्यों नहीं होगी, आफ्टर ऑल उनकी बहन की बेटी का देवर हीरो जो बनने चला है। अच्छा वो वाली खबर? सारे पटियाला में फैल गई होगी अब तक की खबर। एंड बाय द वे, रोसेश के सिर्फ फोटोग्राफ सिलेक्ट हुए हैं। हाँ, तो अगर रोसेश भैया के फोटोग्राफ सिलेक्ट हुए हैं तो रोल थोड़ी ना तुमसे करवाएंगे। और मैं करूंगा भी नहीं, बिकॉज आई एम अ क्वालिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, नॉट सम कॉलेज ड्रॉप आउट एक्टर। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तेरे सनब्लॉक और एंटी एजिंग लोशन को बेस्ट ओवर द काउंटर मेडिकल प्रोडक्ट का अवार्ड मिल रहा है। और फूफा जी, मेरी जो रिसर्च आर्टिकल है वो हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट के रेफरेंस बुक्स में छापने वाले हैं। इसमें लिखा है, पढ़िए ना। फूफा जी, अपने रोसेश भैया सुपरस्टार हीरो बन गए। अभी आते हैं रोसेश जी। डज दिस ब्लू थिंग गो विद माय शर्ट? तन्वीर फ्रॉम फिल्म टुडे तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं। हाय। हाय। तन्वीर, कीप इट शॉर्ट, हाँ, रोसेश जी के पास टाइम नहीं है। जी, रोसेश जी, राजगोपाल शर्मा जी की फिल्म आपको कैसे मिली? जब मैं फोटो लेकर के। रोसेश तो फिल्म में काम करना ही नहीं चाह रहा था, ही इज अ थिएटर पर्सन यू सी। जी जी। लेकिन जब राजगोपाल शर्मा ने इसका नाटक देखा वो इतने इंप्रेस हो गए और इसको फोर्स किया, इसलिए इसे करना पड़ा। रोसेश जी, आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? एक तो हार्ड वर्क और दूसरी वो उसकी मामा, यही कहेगा ये। बट डोंट बिलीव हिम, हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये बेकार में मुझे क्रेडिट देता है। मामा। और रोसेश जी, आपकी फिल्म नया डॉन में आपका कैरेक्टर किस तरह का है? एक्सक्यूज मी मामा, सुप्रभात मैगजीन से फोन आया है, सुबह भी आया था इंटरव्यू के लिए, क्या कहूँ? मना कर दो, तुम्हारे करियर के इस स्टेज में रीजनल वर्नाक्युलर प्रेस में इंटरव्यू देना इज जस्ट टू डाउन मार्केट। ओके, हेलो। आवाज बदल के वरना पहचान जाएंगे। हेलो, हेलो, जस्ट मिडिल क्लास, क्या कर रहे हो तुम? हेलो, नो आई एम सॉरी, मिस्टर रोसेश बाथरूम में है, कल सुबह फोन करना। मतलब रोसेश जी कल तक बाथरूम में रहेंगे? Should one presume? You're very funny. Next question. Sara bhai.